एक लय के साथ श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है और प्राणों का आधान करते हुए प्रणव का ध्यान करते हुए जब श्वास भीतर गहरा भरते हैं तब ये विचार ये संकल्प मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का अपने भीतर आधान कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से योग नहीं होना चाहिए, गहराई में योग। मैं बार बार कहता हूं जब हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका में एक लाख से लेकर के 10 लाख तक दिव्य ऊर्जा स्पंदनों का और एक एक सैरी ने जीन्स क्रोमोजोम्स डीएनए आरएनए प्रोटीन तक उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स तक 37 ट्रिलियन सेल्स में अष्ट चक्रों में 9 द्वारों में 72,72,10,201 नाड़ियों में शरीर में इंद्रियों में चित्त में चेतना में आत्मा में दिव्य ऊर्जा स्पंदनों का एक प्रवाह प्रवाहित होता है और इसको सामान्य गति से जिनका सामर्थ्य थोड़ा अधिक वो थोड़ा अनवरत बिना रुके बिना थके एक अखंड प्रवाह दो। जब आप पूरे वेग से करते हैं तो पसीना भी आएगा। मैं तो क्योंकि दौड़ के आया था, मैंने जीवन के कुछ नियम बना रखे। सुबह उठ करके एक बार पसीने में नहाना है। अब जैसे मेरा पूरा शरीर पसीने में नहाया हुआ था, ये तो पंखा चला हुआ है तो 15 मिनट में थोड़ा सूख गया। एक बार सुबह पसीने में नहाना चाहिए। सुबह उठते ही ये विचार ये संकल्प करना चाहिए, इसको मैं प्रभात संकल्प, ये प्रभात वेला ब्रह्म वेला अमृत वेला है, ये ब्रह्म संकल्प। इस प्रभात वेला में प्रभात संकल्प, अमृत वेला में अमृत संकल्प है। मैं ही राम हूं, कृष्ण हूं, हनुमान हूं, बुद्ध हूं, महावीर हूं, नानक गौतम कणाद जमनी पाणिनी पतंजलि लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सीता पार्वती जगदम्बा, मैं ही आद्य शक्ति हूं, मैं ही ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का साक्षात विग्रह, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं ब्रह्म की सगुण साकार अभिव्यक्ति हूं, शक्ति हूं, ज्योति हूं, यंत्र। सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म तक, सारे इस संपूर्ण अस्तित्व का एक सूक्ष्म तक स्वरूप कोई निर्मित किया जाए तो हमारा ही पिंड है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां इस पिंड में सन्निहित है। प्राणायाम के द्वारा
भस्त्रिका प्राणायाम बंद नहीं होना चाहिए, एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ, निरंतरता के साथ। आप थोड़ा थोड़ा करते हो, देखो थोड़े थोड़े करने से बात नहीं बनेगी, प्रवाह के साथ निरंतर करें। एक प्रवाह के साथ कीजिए। देखो मैं लगभग आधे घंटे इस प्रवाह से करता हूं, आप भी अभ्यास बना लो। कैसे? अब इतना प्रवाह बनाने के लिए आपको एक सप्ताह लगेगा, थक जाते हो। मैं इस प्रवाह से करता हूं, वैसे मैंने तो थोड़ा और इसमें निष्णातता अर्जित की है, मैंने तो अभ्यास ऐसे कर लिया है कि मैं ऐसे तेजी से भी कर लेता, लेकिन आप करते हो तो पूरे हिलने लगते हो सर, ऐसे नहीं कर। अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करें? वो अपना एक नियम, एक शर्त यह है कि आप श्वासों का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर मैं एक घंटा भी बोलूं तो बात पूरी नहीं होगी।